ये हमारे नौ ग्रह देवता है, और नौ ग्रह देवता के साथ साथ हम कुल टोटल 44 देवताओं की पूजन करते हैं, 44 देवताओं की पूजन करते हैं। हर ग्रह की जो है राइट में अधिदेवता और लेफ्ट में जो है प्रत्यधिदेवता, नौ है, नौ के राइट में अधिदेवता और नौ के लेफ्ट में जो है प्रत्यधिदेवता, तो इनमें भी जो है देवता 27 हो गए, नौ तिरिका 27। उसके बाद गणपति आदि पंच लोकपाल वास्तु और क्षेत्रपाल 7 देवता की और उनके साथ हम पूजन करते हैं, 27 और 7 34। उसके बाद अपना दिशा कितना है, 10 ही है ना, 10 है। ऐसे प्रधान प्रधान तो अपने जो है लोग चार ही मानते हैं, वैसे चार ही ज्यादा यूज में है, जी तो चार दिशा है। पर उसके लिए जैसे हमने आपको कैसे बताया कि ईशान कोण जो होता है देवताओं का होता है, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, आकाश है, एक हमारे जो है पताल है, ये हमारे 10 दिशा है और 10 दिशा के 10 देवता है, और इन 10 देवताओं की पूजा हम नवग्रह के साथ में करते हैं। तो कुल टोटल जो है 34 और 10 44 देवताओं की पूजा जो है हम नवग्रह देवताओं के साथ में उनकी पूजा करते हैं। तो हम सबसे जो है प्रार्थना करेंगे कि हे नवग्रह देवता, आप सब लोग यहाँ पे आइए और विराजमान होइए और हमारे पूरे परिवार की आप रक्षा करिए, 10 दिशा की तरफ से हमारे पूरे परिवार की रक्षा करिए, हमारे कार्य का, हमारे घर का, हमारे व्यापार का, सबका जो है आप रक्षा करिए और सबकी मनोकामना पूर्ण करिए। अच्छे से नहीं बैठ सकते हो, कसम खाया हो, बानरे उतार लियो का जी। थैंक यू। चलिए नवग्रह देवता का हाथ जोड़ करके ध्यान करें। अम्मा आग्नेय नरसावतुयानो निवेशय नामतां चांचा हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भोनालिपस्यन्ना सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः, अनंतांत देवताभ्यो नमः। ध्यायं ध्यानार्थी आवाहनार्थी अत्यद्भुतमारि समर्पयामि, नमस्करोमि सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। चढ़ाइए पुनः हस्ते अत्यद्भुतमारि गृहीत्वा, अपने हिसाब से देख लें। अमत शंकर जी का ध्यान करेंगे, असंख्यात रुद्र का, असंख्यात रुद्र मतलब हमारे भगवान भोलेनाथ, असंख्यात जिनकी संख्या का कोई वर्णन हम ना कर सके, जिनका रूप ही अनंत है, ऐसे भगवान भोलेनाथ, ऐसे रूपों में भगवान, अनंत रूपों में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आप इस अनंत रूप में आकर के हमारे आंगन में बैठ करके, हमारे सन्मुख बैठ करके हमारे भाव रूपी पूजन को स्वीकार करते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करिए और हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। ओम असंख्याता सहस्राणि जय रुद्र अदे भव्यं माते काकुं सहस्रयो जनेम धनवानि तन्मसि, असंख्यात रुद्र देवताभ्यो नमः। ध्यायं ध्यानार्थे आवाहनार्थे यज्ञभुतानि समर्पयामि, नमस्करोमि। वाम हस्ते यक्षदानि गृहीत्वा, राइट हैंड से दो दो दाना चावल सबके ऊपर छोड़ करके प्राण प्रतिष्ठा की भावना से हम लोग देवताभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठे भरदे भवन्तः मादपाद्यादि समर्चन, जिस प्रकार अपने घर में हम अतिथियों को बुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी जो है देखभाल करते हैं, उसी प्रकार पूजा दो प्रकार का होता है ना, पूजा जो है दो प्रकार के हैं, भाव मिच्छन्तु देवता भाग्य मिच्छन्तु पितरः, जो हम भाव से जिनकी सेवा करें पूजन करें वो हमारी पूजा है। भाव मिच्छन्तु देवता वाक्य मिच्छे, बाकी जो है पूजा बहुत सारे लोग तमाम लोग करते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए भी पूजा करते हैं, हम इतना खर्चा कर सकते हैं पूजा में, है ना, हम इतना जो है भक्ति भाव जो है कर सकते हैं, पर वो पूजा पूजा नहीं है, जो भाव से भगवान की सेवा करी यही पूजा पूजा है। और भाव मिच्छन्तु देवता और वाक्य मिच्छन्तु पितरः, वाक्य शब्दों के द्वारा जो है अपने मित्रों की जो है हम प्रसन्नता करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सबका, जैसे अपने घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, जल पिलाते हैं, आसन देते हैं बैठने के लिए,
जल पिलाते हैं, चाय पानी, खाना पीना, रहने का सारी व्यवस्था। कुछ ऐसे अतिथि आते हैं जिनकी हम जो है कई दिनों तक जो है उनका देखभाल का सारा व्यवस्था मुझे करना पड़ता है। उस प्रकार से उन सभी अतिथियों से श्रेष्ठ आज हम देवताओं के रूप में सभी देवताओं को यहाँ अपने सम्मुख बुलाए हैं कि उनकी हम सेवा कर सके और अपनी मनोकामना जो है पूर्ति के लिए उनसे कामना कर सके। इस प्रकार से भगवान गणपति जी के ऊपर, सभी देवताओं के ऊपर हम लोग चार बार ऐसे जल घुमा करके गणपति जी और माता लक्ष्मी जी के ऊपर चम्मच से ऐसे चार बार घुमा करके और भी आएंगे। ओम एतावान् महिमातो जाया सपोरुगः पादो सेवस्वा भूतानि त्रिपादस्यां हितं देवेर्पादुर्दवदै कुरुगः पादो सेहा पुनः ततो विद्वान्दक्रामसाधनान् सने अभि ततो विराट यत विराटो पुरः तस्माद्दिना सरोता समृतमृतदा जमापसोता देवालया नारण्याग्राम्यास्य पाद्य अर्घ्य आत्मनियम जलम समर्पयामि गणेशामि काशहित मंडपत्तावाहित अस्थापित समस्त देव देवताभ्यो नमः। पाद्य अर्घ्य आत्मनियम जलम समर्पयामि मित्तेन पंचामृत स्नानम, पंचामृत से स्नान कराइए। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि अन्तिसरोकदः सरस्वतीत पञ्चधा सोदेशे भवत्सरिता पञ्चामृतम् मयानीतम् पयोधदीघितम् मधोधरकरा च समायुक्तम् स्नानार्थम् प्रतिगृह्यताम् गणेशामिका सहित मण्डवत्ता वाहिदत्ताभि समस्त देव देवताभ्यो नमः। पापा का हाथ लगाओ बेटा, आगे बढ़ो, हाथ पकड़ लो। मृतेन पंचामृत स्नान समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते तदन्ते ध्यायं ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक एक चम्मच जल फिर से गिरा दो। तदन्ते ध्यायं ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि गंधोदक स्नानं, गंधोदक से स्नान करें। ओम त्वं गंधर्व आगमः त्वामिन्द्रतां बृहस्पतिः त्वामो करे सोमो विद्वान्नक्ष्मादमुच्यत गन्धद्वारा दुराधत्ता नित्यपुष्टां करीं करीं सर्वभूतानां कामिहो गणेशामिका हृतमण्डपत्ता वाहितस्थापितो समस्त देव देवताभ्यो नमः। गन्धोदज्ज्ञानं समर्पयामि गन्धोदज्ज्ञानान्ते दहन्ते ध्यायं ध्यानान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि अभिषेक मध्ये सर्वोक्षराराध्य गंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। इसे घुमा करके भगवान के पास सामने छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए। इसकी सुगंध ले लीजिए, माथे से लगा लीजिए, दोनों आंखों से लगा लीजिए, सुगंध ले लीजिए, माथे से लगाइए, आंखों से लगाइए, सुगंध ले लीजिए। राइट हाथ में लगाओ, राइट नहीं हो लेफ्ट, अब लेफ्ट में लगाइए। अब सुनो दीदी को दे दो, हाँ बोल लीजिए, आगे बढ़ करके मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते धन्ते ध्यायं ध्यानान्ते आत्मनियं जलं
समर्पयामि सर्गरात्नानाम् ओम अपागुम्रजपुत्पयसगुं सूर्यै शान्तगुण्यमाहितम् अपागुम्रजजोरजतां पङ्क्रणाम् उपयामगृहेतोषेन्द्राय त्वा दुष्टङ्घ्राणामे कतेजो नीरेन्द्राय त्वा समर्पयामि सर्गराधनानान्ते धन्ते ध्यायं ध्यानान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि चम्मसे पांच चम्मच ओम पञ्चनद्यः सरस्वतीमपेयन्ति सज्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधातु देशे भवतरितः त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्ति कुटिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुखे यमामृतात् भगवते दासिवाय महामृतेन पञ्चानुष्णानं समर्पयामि पञ्चानुष्णानान्ते दसन्ते ध्यायं ध्यानान्ते आत्मनियं जलम् समर्पयामि गन्धोदकस्नानां त्वां गन्धर्वाकणत्वामेन्द्रत्वां बृहस्पतिः त्वामोकदेशोमोराजास्मादमुच्यत भगवते नर्मदेश्वर महादेवाय नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानान्ते तदन्ते ध्यायं ध्यानान्ते आत्मनियं जलम् समर्पयामि सुगन्धितैलस्नान ओं त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुखे यमामृतातो भगवत्रीशान्तदाशिवाय नमः सुगन्धितैलस्नानं समर्पयामि भस्मोदकस्नानं केसर था केसर आया है डब्बा में तिल था अम्मात्रायुगं च मदग्रेः कश्यपजदायुगं मा च देवे कुत्रायुगं तन्नो असुरायुगं साङ्गायोध परिवारायोधायुधायोधवाहनाय सकलदयिताय नमः भगवत्श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः भस्मोदकस्नानं समर्पयामि भस्मोदकस्नानान्ते सन्ते ध्यायं ध्यानान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि तिनोदक जल स्नान ओम जवाश्यमय माखाश्यमय तिलाश्यमय मुद्गाश्यमय कल्वाश्यमय प्रियंगवश्यम नवश्यमय श्यामाकाश्यमय निवाराश्यम गोधूमाश्यमय मधुराश्यमय जगेण कल्पान्ताम् साङ्गायोध परिवारायोधायुधाय व्यक्तिकायोध वाहनाय सकलसहिताय नमः भगवत्श्रीशां सदाशिवाय नर्मदेश्वर महादेवाय नमः तिलोदक जल स्नान समर्पयामि सुतोदक स्नान य नमः हस्तव्यक्त्यालनं गोविन्दाय नमो नमः हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी का ध्यान करेंगे ओम धांताकारं भुजगजायनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभ्यां वन्दे विष्णुभवभरणं सर्वलोकैक्यनाथं ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः हस्ते पुष्पाणि बिल्वपत्राणि गृहीत्वा केतनये मान आयुग्यमानो गोकुमानो अस्मे पुरे निकः मानो वीरार्द्रभामिनो बधिरभिमन्तः महामहे नमः सम्भवायुजमय प्रवाय च नमः शङ्कराय चमयकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च वागर्धाविवदं वृत्ता वागर्धा प्रतिपत्तये यतदः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ साङ्गायोध परिवारायोधायुधायो शक्तिकायोधवाहनायोधगर्धहिताय नमः भगवत्रीशान्तदाशिवाय नमः नर्मदेश्वर महादेवाय नमः ध्यायं ध्यानार्थे पुष्पाणि बिल्वपत्राणि समर्पयामि नमस्करोमि गिर न जाते हैं नहीं गिरेगा चलो आगे ऋषभ
आगे हम जैसे हम करें तो वैसे करना है ना, पापा भी करेंगे आप भी करेंगे। ओम मनो ज्योति जगदा माज सर्वे तते जगदा मंगलो परिचं जत गो सभी मंगल धातु विश्वे देवा सयमा दयंता ओम प्रतिष्ठा हेडियाय नमः। राइट हैंड से राइट हैंड हेडियाय नमः। ओम भगवते जमिनानानां देवाय नमः का सम्मा जवाय पवजाय की हानः प्रभाते नमस्ते जय स्वाहा वो दाना देवो अरदे तुजय वैश्वानर विता जातम अग्निम पविगों सर्राजम अधिसिंचराम मदंजाम पात्रं जनयं तदेवा हासिकाय बौद्धा परमारिन परमणा चादयामि सोम स्वाराजाम वेदानुष्ठां पावलो करियो परते कृणवन्तां देवा मदन्तो कवचाय होम विश्वचक्रचुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतो धम्मा हव्यां धमत धम्पत दैद्यावा भूमे जनयं देवैकः पार्वती पते हर हर महादेव। शांता योध परिवार योधायुधा योधक्तिका योधवाहना योधगणजेताय नमः। भगवद्री नर्मदे स्वर महादेवाय नमः। ध्यायं ध्यानार्थे विलवत्ताडे समर्पयामि नमस्करोमि। इस खाली को हटाइए, इधर साइड कर लीजिए, इधर साइड कर लीजिए। आप तुम्हें कौन है? नम हरिषु फलम फलनेंजंतरिषु फलम नमस्कयामिता मंडवत्तावाहिदत्ताभ्यो नम मुखवादातेबलदाबूला मेलालुंगम जवेदिका निवेदयामि। ओम झत्पुरुषेण हविता देवादिजमतन्मदावसन्तोषासि धबलताम्बुलम् एलालुङ्गम् च वेदिकाम् निवेदयामि। द्रव्यदक्षिणाम् कुछ दक्षिणा समर्पयामि। ओम जद्दत्तं जत्पराधानं जद्भूतं जद्दग्निवैश्वकर्मणः सद्देवे पुनो दधत हिताया पूजाया धातुर्याते द्रवदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः प्रतिरेकदासीत सदा धारभृद्विद्यामुते मां कस्मै वायः विकाविधेम। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः प्रतिरेकदासीत सदा धारभृद्विद्यामुते मां कस्मै देवायः विकाविधेम। दक्षिणहस्ते जलं गृहीत्वा अनेन कृतार्चनेन गणपत्यादि सहित मण्डपस्थ आवाहित स्थापित समस्त देवी देवता पूजनेन यथाशक्ति यथा भक्ति यथा समय यथा ज्ञान यथा उपस्थित सामग्री द्वारा अर्चनेन अर्चिताः पूजिताः इयन्ताम् नमः। छोड़ दीजिए, हाँ जोड़िए। गणेश भोजन कर्माय नूनम अधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु तथा मम। बोल गणपति गजानन महाराज की जय। साचे दरबार की जय। आज की आनंद की जय। भक्ति और भगवान की जय। पार्वती पदे हरा।